नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज 24 दिसंबर है, आज महान मोहम्मद रफ़ी का जन्मदिन है। आज का ये शो हम समर्पित करते हैं रफ़ी साहब को और सुनेंगे रफ़ी साहब के बेहतरीन नगमे और उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 30 जुलाई 1980 की लेट इवनिंग, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जे ओम प्रकाश के फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग। एक गाना रिकॉर्ड कर चुके थे, सीढ़ियों से नीचे उतरे, 4 लाइनें बाकी थी, नीचे उतर के गाड़ी में बैठ गए, फिर ऊपर आए और जे ओम प्रकाश जी से बोले, जे ओम जी 4 लाइनें तो बाकी हैं, कल के लिए क्यों पेंडिंग रखूं, आज ही कंप्लीट कर देता हूं। एलपी का म्यूजिक, आनंद बख्शी के बोल, फिल्म आसपास, ये 4 लाइनें डबकी, नीचे आके गाड़ी में बैठे और घर चले गए। 30 जुलाई की रात को ही दिल का दौरा पड़ा और हिंदी फिल्म संगीत का अनमोल रत्न इस दुनिया से अपना काम पूरा करके उस दुनिया में चला गया। उस अनमोल रत्न का नाम मोहम्मद रफ़ी। जोरदार तालियां रफी। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह नाम के गांव में हुआ था, पंजाब के पास एक छोटा सा गांव है। 6 भाइयों में सबसे छोटे मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब को गाने की इंस्पिरेशन मिली एक फ़कीर से। एक फ़कीर उनके मोहल्ले से गुजरता था, मस्त गाना गाता हुआ, पाघा वालियों नाम जपो मौला नाम, ऐसा ही कुछ होता होगा। ज़माना अलग था, 1924 का अनडिवाइडेड इंडिया। पागा वालियों नाम जपो मौला नाम, नाम मौला नाम जपो मौला नाम, इस तरह से गलियों और कूचों में फ़कीर कुछ मौसीकी गुनगुनाते हुए निकलते थे और ये छोटा बालक रफ़ी उस फ़कीर के पीछे पीछे चलने लगता था गाना सुनने के लिए। और चलते चलते ही उस फ़कीर के गाए हुए कुछ कलाम, मौसीकी और मौसीकी के कुछ सुर इस बच्चे मोहम्मद रफ़ी के कानों में मिस्री सी खोल गए। ये कानों में उतरी हुई शीरी इसके गले में भी झलकने लगी। समय बीता और उसके कुछ दिन के बाद पिता वालिद साहब लाहौर शिफ्ट हो गए, वहाँ उन्होंने एक हज्जाम नाई की दुकान खोल ली। बालक रफ़ी फ़कीर से जो तबर्रुक मिला था, जो प्रसाद मिला था, जो अब धीरे धीरे गले में झलकने लगा, इस गले में झलकते हुए हुनर को पहचाना इनके भाई के एक दोस्त अब्दुल हमीद ने, जो बाद में इनके ब्रदर इन लॉ भी बन गए। रफ़ी साहब की फैमिली को समझाने और इनको बम्बई तक पहुंचाने में अब्दुल हमीद साहब का बहुत बड़ा हाथ। रफ़ी साहब को स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका भी बड़े ड्रामेटिक तरीके से मिला। हुआ यह कि एक बार लाहौर में महान गायक केएल सहगल साहब का शो था, अचानक साहब लाइट गुल हो गई। तो अब लाइट गुल हो गई तो स्टार केएल सहगल साहब अपियर कैसे करेंगे, जनता शोर मचाने लगी। अब जब रफ़ी साहब के भाई थे, उन्होंने कहा भाई किसी तरह से जनता का मन तो बहलाना है, तो ऑर्गेनाइजर के पास गए कि साडा छोटा भरा है, ओ जनता दा मन बहला लेगा, है जी दिल बहला लेगा, उन्हें गाने का मौका भी दो। ऑर्गेनाइजर ने बात सुनी और बालक मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया। जैसे कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, भाई सुपरस्टार नहीं है तो थोड़ा सा कोई है आके मनोरंजन कर दे। इस तरह से, इस ड्रामेटिक तरीके से बालक मोहम्मद रफ़ी को पहली बार स्टेज पर गाने का मौका मिला। और जब बालक मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, जो उस फ़कीर से तबर्रुक मिला था, गले से जो शीरीं आवाज निकली, जो मखमली आवाज निकली, तो मोहम्मद रफ़ी छा गए। इसी फंक्शन में हिंदी फिल्मों के एक म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर भी मौजूद थे। उन्होंने भी रफ़ी को सुना और इनविटेशन दे डाला बॉम्बे आने का। रफ़ी साहब के बारे में चर्चा जारी रहेगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से सहगल साहब के एक शो में
लाइट गुल हो जाने की वजह से मोहम्मद रफ़ी साहब को गाने का मौका मिला, जनता ने उनका गाना सुना, गाना सराहा। वहीं पर उस वक्त के म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर मौजूद थे, उन्होंने बॉम्बे आने का इनविटेशन दे दिया। रफ़ी साहब जब बॉम्बे आए तो उन्हें फिल्म शाहजहां में सहगल साहब के गाए एक गीत में कोरस में गाने का मौका मिला, रूही रूही मेरे सपनों की रानी। नौशाद साहब की बात चल रही थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक स्वाभिमानी का, मासूमियत का, खुददारी का किस्सा। देखिए, रफ़ी साहब ने नौशाद साहब के गाने की रिकॉर्डिंग में भाग लिया, कोरस गाना था। रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, ये नीचे आ गए। अब थोड़ी देर बाद, पैकअप करने के बाद जब नौशाद साहब नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि ये नौजवान रफ़ी खड़ा हुआ है। नौजवान रफ़ी से जब नौशाद साहब ने पूछा कि घर क्यों नहीं गए, तो मोहम्मद रफ़ी ने कहा कि साहब कल भी तो वापस आना है, रिकॉर्डिंग अभी बाकी है और जाके वापस आने के पैसे मेरे पास नहीं है। नौशाद साहब को अचंभा हुआ, अचरज से वो बोले, अरे तो पैसे नहीं है तो मांग लेते। मोहम्मद रफ़ी ने कहा, हुजूर मेहनताना कैसे मांगता, अभी रिकॉर्डिंग या काम पूरा नहीं हुआ है। देखिए, ये मासूमियत थी, उस जनरेशन के, उस नस्ल के लोगों की ये खासियत थी, काम पूरा नहीं हुआ है, मेहनताना तो तब लूंगा जब काम पूरा हो जाएगा। नौशाद साहब ने पैसे दिए, आशीर्वाद दिए, बहुत दुआएं दी, और यहीं से नौशाद और मोहम्मद रफ़ी साहब का एक रिश्ता कायम हुआ जो ता जिंदगी चलता रहा। देखिए, वहाँ केएल सहगल साहब की महफिल में म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर ने इन्हें सुना, बम्बई आने का मौका दिया और अपना वादा पूरा किया और मोहम्मद रफ़ी को पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाने का मौका मिला। एज अ फुल फ्लैश्ड सिंगर, गुल बलोच वॉज द फर्स्ट फिल्म ऑफ मोहम्मद रफ़ी। फिल्म गांव की गोरी, फिल्म का नाम था गांव की गोरी, म्यूजिक बाय नौशाद, गीत के बोल हैं, दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी। इस गाने को रफ़ी साहब अपना पहला हिंदी सॉन्ग मानते रहे। नौशाद साहब के साथ ट्यूनिंग अच्छी थी, नौशाद साहब इन्हें गवाते रहे और साथ साथ इनके हुनर को तराशते रहे। 1951 में नौशाद साहब एक फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था बैजू बावरा। बैजू बावरा कहानी है एक शास्त्रीय गायक की जो संगीत सम्राट तानसेन के मुकाबले में अपने जमाने में खड़ा हो जाता है। आप सब लोगों को बैजू बावरा के गीत तो मालूम है, जरा मुझे, मेरे लिए गुनगुना दीजिए, तो मैं, हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत आसानी हो जाएगी कि क्यों रियाज करना पड़ा रफ़ी साहब को, और इतना रियाज करना पड़ा कि गला छिल गया और गले से थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगा। तो हमारे दर्शक अच्छी तरह से समझ पाएंगे, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, ओ बिनती करत हूँ रखियो लाज। ये राग मालकोस है, इसमें खरच से लेके और ऊपर तक के स्वर लगे। कंपोजिशन ऐसी है के नीचे दर नर ना, ये एक्चुअली एक बड़ी पुरानी पारंपरिक एक शास्त्रीय कंपोजिशन है। मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात। ये राग जो मालकोस जो है उसमें धनी स गम धनी धनी सा नि दम गम धनी दम गम धम गम ग सा धनी सा ग सा गम धनी सा नि दम गम धनी दम गम धम गम ग सा मम गम ग सा नि सा गम धम गम धनी सा धनी सा नि दम गम ग सा मुख मोड़ मोड़। तो ये राग मालकोस है, इस मालकोस का एक संपूर्ण राग मानते हैं उसको, नीचे से के सुरों से लेके ऊपर तक का सुर है। दूसरा कोई गाना गाइए, तू गंगा की मौज में जमुना का धर्म मिलन, ये हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। ये भी शास्त्रीय संगीत के ऊपर। एक दूसरा गाना है,
ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आज की जनता, आप लोग सब यंगस्टर्स स्टूडियो में बैठे लेकिन कितने इजीली इन गानों को गुनगुना रही है। कम बैक टू द मेन पॉइंट के इतने कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशंस हैं, इतनी मेहनत वाली कंपोजिशन है कि रफ़ी साहब को इतना रियाज करवाया नौशाद साहब ने कि गला छिल गया और एक पॉइंट पर गले से खून भी निकलने लगा। लेकिन मोहम्मद रफी अटल सजग रियाज में जुटे रहे, गाने गाए, रिकॉर्डिंग की, फिल्म रिलीज हुई, फिल्म चली एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। यहीं से आमद हुई मोहम्मद रफी, द ग्रेट लेजेंड मोहम्मद रफी, द ग्रेट पद्मश्री मोहम्मद रफी। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा जो रफ़ी साहब के ज़माने में ही रफ़ी साहब का एक कंटेम्प्रेरी सिंगर रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे। एनी आइडिया? एनी गे? महेंद्र कपूर। बिल्कुल सही बात है, महेंद्र जी। देखिए, महेंद्र जी को भी मैं ग्रेट आदमी मानता हूँ। कहानी ये है कि जब वो छोटे थे तो एक लड़का अपनी क्लास में अपनी कॉपी पर मोहम्मद रफ़ी लिखता हुआ पकड़ा गया। हाँ जी, गुरु जी ने, टीचर जी ने पिटाई कर दी। पर जब इस लड़के के दोस्त ने इस लड़के की रफ़ी साहब के लिए दीवानगी देखी तो वो किसी ना किसी तरह अरेंज करके इस लड़के को रफ़ी साहब के घर ले गया। रफ़ी साहब इस लड़के से मिले और लड़के के काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद रफ़ी साहब ने इस लड़के को अपना शागिर्द बना लिया और उसे गाने के साथ साथ हारमोनियम बजाना भी सिखाया। इस लड़के को अपने साथ स्टूडियो ले जाते हैं, हर चीज की तालीम दी। आगे चल के ये लड़का रफी साहब के साथ ही सिंगर बन गया, उनके रहते हुए ही एस्टैब्लिश सिंगर हो गया। और ये एस्टैब्लिश सिंगर बहुत ही विनम्र, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, अनादर ग्रेट सिंगर महेंद्र कपूर जी। जोरदार तालियां महेंद्र जी। महेंद्र कपूर रफी साहब को क्या मानते थे, यह आपको इस किस्से से पता चल जाएगा जो मैं सुनाने जा रहा हूं। एक बार महेंद्र कपूर का लंदन में शो था, रफ़ी साहब के दो बेटे लंदन में ही थे, शो देखने आए। रफ़ी साहब के बेटों ने भी महेंद्र कपूर को वही अदब, वही इज्जत, वही रिस्पेक्ट दी जो उनके फादर प्यार मोहब्बत महेंद्र जी को दिया करते थे। शो स्टार्ट हुआ, इंटरवल के बीच में सिक्योरिटी ने आके महेंद्र कपूर को बताया कि दो यंगस्टर्स आपसे मिलना चाहते हैं। महेंद्र कपूर ने कहा कि बुलवाइए। और जब ये दो नौजवान आए तो महेंद्र कपूर इन दोनों नौजवानों को देखकर इतने खुश हुए, इतने एक्साइटेड हो गए, उन्होंने ऑर्गेनाइजर से कहा कि बराए मेहरबानी आप किसी भी तरह से दो फूलों की मालाएं बुलवाएं। आप किसी तरह से दो फूलों की मालाएं अरेंज की गईं। शो दोबारा स्टार्ट हुआ, महेंद्र कपूर जी ने अनाउंस किया कि मेरी कितनी खुशकिस्मती है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के, मेरे गुरु के दो बेटे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों बेटे बराए मेहरबानी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। रफ़ी साहब के जब दोनों बेटे स्टेज पे पहुँचे तो ग्रेट महेंद्र कपूर ने, ये महेंद्र कपूर का बड़प्पन है, ये महेंद्र कपूर की ग्रेटनेस है कि उन्होंने रफ़ी साहब के दोनों बेटों के पैर छुए। क्या बात है, दोनों बेटों के पैर छुए। दोनों लड़के असमंजस में पड़ गए, उन्होंने कहा अंकल हम आपके बेटे जैसे हैं। महेंद्र कपूर ने कहा नहीं बेटा, आप मेरे गुरु के बेटे हो, गुरु का बेटा गुरु होता है। ये देखिए आप महेंद्र कपूर की ग्रेटनेस देखिएगा। जोरदार तालियां मोहम्मद रफी के लिए और जोरदार तालियां महेंद्र कपूर के लिए। एक समय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा था जब डुएट की बात होती थी, जब डुएट की कोई कल्पना होती थी कि डुएट है, कंपोजिशन होती थी, तो पहली चॉइस होती थी मोहम्मद रफ़ी एंड लता मंगेशकर। बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट ओपी नैयर जिन्होंने लता मंगेशकर से कभी नहीं गवाया। पर न जाने क्या हुआ, किसकी नज़र लगी कि रफ़ी और लता ने साथ गाना बंद कर दिया। हुआ ये कि लता मंगेशकर गाने की रॉयल्टी को लेकर सिंगर्स की एक यूनियन बनाना चाहती थी जिससे संगीतकारों की तरह सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिल सके। जब इस मुद्दे के ऊपर रफ़ी साहब से उनकी बात हुई तो रफ़ी साहब ने अपना लॉजिक दिया कि हम जो गाना गाते हैं उसका पेमेंट हमें मिल जाता है। तो जो पेमेंट हमें मिल गया
उस गाने की रॉयल्टी की बात समझ में नहीं आती। ये एक बड़ा आइडियलिस्टिक एटीट्यूड था रफ़ी साहब का। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि रफ़ी साहब बिल्कुल ने गलत किया या जो लता मंगेशकर रॉयल्टी की डिमांड कर रही थी वो गलत कर रही थी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। रफ़ी साहब का लॉजिक ये था कि हमारा पेमेंट मिल गया है, हमको अब रॉयल्टी से क्या मतलब है। लेकिन लता मंगेशकर चाहती थी कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स को जो रॉयल्टी मिलती है वो रॉयल्टी हमको भी मिले। इस बात को लेकर लता रफ़ी साहब से इतना रूठ गई कि उन्होंने फैसला ले डाला कि वो अब मोहम्मद रफ़ी के साथ काम ही नहीं करेंगी। इतनी बड़ी बात हो गई। रफ़ी साहब ने कहा पेमेंट मिल जाता है, रॉयल्टी की ज़रूरत नहीं है, और लता मंगेशकर ने कहा रॉयल्टी चाहिए। तो दो जीनियस के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस हो गया कि दोनों ने एक साथ डुएट गाना ही बंद कर दिया। लता और रफ़ी साथ नहीं गाएंगे, इस बात को लेकर म्यूज़िक डायरेक्टर धर्म संकट में पड़ गए और फाइनली उन्होंने कहा कि हम लोग मोहम्मद रफ़ी साहब को तो रख लेते हैं और मोहम्मद रफ़ी के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन ढूंढने की उन्होंने कोशिश की। ये कॉम्बिनेशन सामने बन के आया आशा भोसले के रूप में, और लता मंगेशकर को रिप्लेस करने की कोशिश की सुमन कल्याणपुर की आवाज़ से। आप में से कोई बता सकता है मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ इस दौर के वो गीत जो उन्होंने सुमन कल्याणपुर के साथ गाए? एनीबडी? नजहुन आए बालमा सावन बीत जाए, आए सावन बीत जाए। हाँ, और एक मंदिर है। बिल्कुल सही है, दिल एक मंदिर है, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार, जितने की आसमान पे तारे हैं बेशुमार। क्या बात है, ठहरिए होश में आलू तो चले जाइएगा, ले आए तुमने पुकार। ग्रेट मोहम्मद रफ़ी, सुनते गाने। किसी को भी उसके कद का गुमा न था, किसी को भी उसके कद का गुमा न था, वो आसमां था मगर सर झुकाए बैठा था। ये शेर बिल्कुल मौजू है रफ़ी साहब की पर्सनालिटी पर। रफ़ी साहब महान कलाकार, अजीम फनकार तो थे ही, लेकिन साथ साथ अजीम शख्सियत थे, ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मेरे जान पहचान के एक प्रोड्यूसर हैं, उनके फादर जब पहली बार प्रोड्यूसर बने तो रफ़ी साहब उनके गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आए, पंजाबी आदमी। उन्होंने रफ़ी साहब के गाने के बाद 5001 रुपया उनको नजराना रखा। तब तक रफ़ी साहब को पता लग गया था कि ये इस प्रोड्यूसर की पहली फिल्म है जो पहली बार डायरेक्ट भी कर रहे हैं, पंजाबी बंदा। उन्होंने फर्स्ट टाइम उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहा तुम्हारी पहली पिक्चर है, मैं 1 रुपया रख लेना है, मतलब मैं 1 रुपया रख देता हूँ, 5000 रुपये मेरी तरफ से फिल्म प्रोडक्शन में लगा दो। ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बात बता रहा हूँ। LP ने भी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब रफ़ी साहब से पहला गीत गवाया तो बहुत डरते डरते उन्होंने रफ़ी साहब के हाथ में 1000 रुपये रखे। यहाँ पर भी रफ़ी साहब को मालूम था ये दोनों नए लड़के हैं, न्यू कमर्स, नए जवान हैं, बहुत अच्छा संगीत देते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद जब 1000 रुपये इस गाने के लिए मिले तो 1000 रुपये में 1-1 रुपये के दो नोट और ऐड करके 501 रुपया हथेली खुलवाई और लक्ष्मीकांत की हथेली पर और प्यारे लाल की हथेली पर ग्रेट मोहम्मद रफ़ी ने आशीर्वाद दुआएं देते हुए दोनों नौजवानों की हथेली पे 501 रुपये की इसी दुआएं दी। ये मोहम्मद रफ़ी, क्या क्या तारीफ करूं मोहम्मद रफ़ी की, जिसके लिए गाते थे पूरा डूब के गाते थे, और किस्मत ने भी उनका साथ दिया। शायद ही इंडस्ट्री के किसी सिंगर को, लता मंगेशकर को छोड़ के, इतने गानों के रेंज मिले हों। देखिए आप,
लग जा गले दिल रुबा, ये भी गाना वो है। सारी खुशियां हैं मोहब्बत की जमाने के लिए, मैंने तो प्यार किया आंसू बहाने के लिए। सारी खुशियां हैं, हर तरह का गाना, हर सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, इस रंग बदलते दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं निकला, न करो तुम सज डज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ हैं मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। मोहम्मद रफ़ी, सलाम उनकी यादों को, और जिससे भी दुआ मांगो प्रार्थना करो अल्लाह के नाम पर, भगवान ईश्वर के नाम पर, परमपिता परमात्मा के नाम पर, कहो कि कलाकार और इंसान मोहम्मद रफ़ी की तरह ही दुनिया में भेजे हैं तो अच्छा हो।